तो गाइज़ यार, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैपकट ऐप पर इस तरीके की ब्लैक फैक्ट वाली वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर आपने ऊपर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपने अपनी गैलरी से ना सबसे पहले कोई सी भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप ब्लैक फैक्ट लगाना चाहते हो। तो अभी जैसे कि मैं अपनी गैलरी से वाली वीडियो ऐड कर लेता हूँ कैपकट ऐप पर। और यहाँ पर अभी मैं आपको ये वाली वीडियो प्ले कर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर अभी देखे तो यहाँ पर आपको लास्ट में इस ऐप का वाटर मार्क भी देखने को मिलता है, तो आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। और अभी यहाँ पर आपने इस वीडियो को भी देख लिया होगा, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वीडियो हमने ऐड किया है। और अभी यहाँ पर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखे तो यहाँ पर आपने चले जाना है एडजस्ट पर, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपने इसको आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखे आपने ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो इसकी नीचे वाली साइड है यहाँ से आपने इसको इस तरीके से ऊपर करते जाना है, और जो इसकी ऊपर वाली साइड है इसको यहाँ पर इस तरीके से आपने नीचे करते जाना है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपने रेड कलर के ऊपर क्लिक करना है और इसके ग्राफ को भी यहाँ से आपने इस तरीके से अप एंड डाउन कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपने ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करना है और इस ग्राफ को भी आपने इसी तरीके से एडजस्ट कर देना है। और अभी यहाँ पर लास्ट में देखे अभी आपने ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करना है और इसके ग्राफ को भी यहाँ से आपने ऊपर करना है और इसकी ये वाली साइड नीचे की तरफ कर देनी है, ठीक है। और अभी यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके। और यहाँ से भी आपने इसको ओके कर देना है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से ना आपने इसको बैक कर लेना है, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपने चले जाना है इफ़ेक्ट्स पर, यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर बेसिक पर आना है और यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर देखिए आपको ब्लर वाले इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। और अभी ये जो ब्लर वाला इफेक्ट है ना, आपने इसको अपनी कंप्लीट वीडियो पर इस तरीके से लगा देना है। और अभी यहाँ पर देखिए जो ब्लर वाला इफेक्ट है वो आपकी वीडियो पर इस तरीके से लग जाता है। और अभी यहाँ से आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना अपनी गैलरी पर। और अभी यहाँ पर हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट होने देते हैं। और उसके बाद अभी यहाँ से आपने इसको ऊपर से पैक करना है। और अभी यहाँ पर आपने ना इसका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है दोबारा से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपने वही वाली वीडियो ऐड कर लेनी है जो आपने बिल्कुल सिंपल ऐड की थी। और उसके बाद आपने वो वाली वीडियो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है जो अभी आपने एडिट किया है कैपकट ऐप पर। तो अभी यहाँ पर देखें, मैंने दोनों वीडियोज़ ही यहाँ पर ऐड कर लिया है कैपकट ऐप पर। तो ये वो वाली वीडियो जो हमने बिल्कुल सिंपल ऐड की है। और उसके बाद ये लास्ट में देखे जिसको हमने एडिट किया था ना कैपकट पर, तो वो वाली वीडियो भी यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है। और ये लास्ट में इस वाटर मार्क को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये वो वाली वीडियो जिसको हमने अभी एडिट किया था। और अभी यहाँ पर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ओवरले का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर जो आपकी वीडियो थी यहाँ पर इस तरीके से लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी यहाँ से आपने इस वीडियो को ना ड्रैग कर इस तरीके से वीडियो के स्टार्टिंग पर लगा देना है। तो अभी यहाँ पर आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अभी जो आपकी ओवरले वाली वीडियो थी ना, अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखें आपने सरप्राइज के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपने इसको की तरफ स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ से आपने इसको कर देना है बर्न। बर्न करने के बाद अभी यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी है ना, यहाँ से आपने इसको 80% तक यूज़ करना है। या यहाँ से आप इसको अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। और अभी यहाँ पर देखें आपने एक और काम करना है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लैक इफेक्ट हमारी वीडियो पर लग चुका है। और अभी यहाँ से आपने इसको बैक करना है नीचे की तरफ से। और अभी यहाँ पर आपने दोबारा से ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर आपने ऊपर स्टॉक वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ना आपने वाइट पिक्चर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर जो आपका वाइट बैकग्राउंड था, आपने इसको टू फिंगर के साथ इस तरीके से फुल स्क्रीन कर देना है। और यहाँ से आपने इसको अपनी कंप्लीट वीडियो पर भी अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने दोबारा से सप्लाईज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना है ओवरले। ओवरले करने के बाद यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी है यहाँ से आपने इसको 100% ही रहने देना है। और अभी यहाँ पर देखिए जो ब्लैक इफेक्ट है वो यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई हो चुका है आपकी वीडियो पर। तो गाइज ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल लेवल वाली ब्लैक इफेक्ट में कलर ग्रेडिंग सीखना चाहते हो तो वो जो है लाइट मोशन यहाँ पर की जाती है। तो इस पर भी जो मैंने ऑलरेडी से वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतने था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड